गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ठीक है, कर लो, मजे भुगतान देना पड़ेगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 वाज गिवन एज होमवर्क। फटाफट से बताओ अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है। फिर से पूछ रहा हूँ, मतलब नहीं हुआ क्वेश्चन तो क्या निकल गया आपसे? एन तो निकल गया और क्या नहीं निकल पाया? फर्स्ट टर्म क्या है? 5। लास्ट टर्म क्या है? एन निकल गया, बोलो एल। अच्छा, कॉमन डिफरेंस नहीं निकला इससे, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे निकल चुके हैं। नंबर ऑफ टर्म्स निकलने में किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी नहीं है। इधर से क्या नाम है, भव्य, हो गया ये सॉल्व, पूरा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो मुझे बताओ जागृत, नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकले आपके? क्या 16 यही निकले क्या सभी के? ओके, अब देखना लास्ट टर्म क्या गिवन है, बोलो। लास्ट टर्म को ए एन कह सकते हो, बोलो जागृत। ए एन को ए 16 कह सकते हो? अरे एन की वैल्यू 16 निकाली है ना, एन की वैल्यू 16 निकाली है ना, तो ए एन को आप ए 16 भी कह सकते हो ना, एन की वैल्यू 16 पुट अप कर दी। ए 16 को आप ए प्लस 15 डी कह सकते हो। ए की वैल्यू गिवन है क्या, 5 प्लस 15 डी इक्वल टू 45। 5 उधर जाएगा माइनस 5 और 15 उधर जाएगा डिवाइडेड बाय 15, तो काटोगे तो 8/3 सही है क्या? डन। एनी अदर डाउट? और किसी से अगर एन भी नहीं निकला हो तो भी पूछ लो, निकल गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते बेटा। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म तो गिवन है, पहली और आखिरी वाली टर्म हमको गिवन है। गिवन है फर्स्ट टर्म तो है 17 एंड लास्ट टर्म है 350, तो मैं इसको डिकोड कर दूं तो फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। कोई डाउट यहां तक? कॉमन डिफरेंस भी गिवन है येलो साहब, 9। पूछा क्या क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म्स हैं और उन सबका सम कितना है। तो यानी एन पूछा है और एस एन पूछा है, एन पूछा है और एस एन पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? अब ये क्वेश्चन सेट होने के बाद तो पिछले क्वेश्चन का ये पार्ट लग रहा है, आपको पहले एन निकालना है। ऑब्वियसली एस एन तो पहले कैसे निकलेगा, पहले एन ही निकलेगा। अब एन निकालने के लिए लास्ट टर्म को एक्सप्लोर कर दो, लास्ट टर्म को क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। बोलो लास्ट टर्म क्या गिवन है, बोलो। तो लास्ट टर्म अगर गिवन होता है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है तो लास्ट टर्म का सीक्वेंस निकालते हैं और जिसका सीक्वेंस निकालते हैं उसको ए एन से इक्वेट कर देते हैं। तो ए एन की वैल्यू 350 और ए एन का फॉर्मूला बोल दो, ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय डी इक्वल टू व्हाट, 350। ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू 17 प्लस एन तो मिसिंग है ना, इनटू डी, डी क्या है 9 इक्वल टू व्हाट, पहले कौन जाएगा बॉर्डर पर, 17 को भेजो तो एन माइनस 1 इनटू 9 यहां बचा, 17 उधर जाके क्या करेगा, क्या हो जाएगा, माइनस 7, 333 333। ओके, अब 9 को वहां भेजेंगे, एन माइनस 1 की वैल्यू 333/9, 111 बाय 3 और 111 बाय 3 करोगे तो 37। पहले 3 से काट दिया, मतलब दो बार 3 से काट दिया, या डायरेक्ट 9 से भी काट लो, 37 और n की वैल्यू 37 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 30। अब n आ गया, अब sn का फॉर्मूला लगाओ, तो sn का कौन सा वाला लगाओगे बताओ, छोटा वाला भी लगा सकते हो आप, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता है लास्ट, और वैसे तो आपको डी भी पता है, दोनों लगा सकते हो, डी भी पता है लास्ट टर्म पता है, तो क्यों ना छोटा वाला लगाएं। सो छोटा वाला फॉर्मूला इज, बोलो छोटू फॉर्मूला, एन बाय टू ए प्लस एल। सो एन की वैल्यू क्लियर है तो एस 38 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 38 टर्म्स का सम हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट 38 टर्म्स का सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 38 बाय टू ए 17 एल 350। ठीक है, सो 38 बाय 2 काटोगे तो 19, 19 टू क्या 38 होता है, मल्टीप्लाइड बाय, इनको जोड़ेंगे तो 367, करेक्ट है क्या, मल्टीप्लाई करो, 697,
या 13 19 7 या 133 बचे 13 196 जा 102 नहीं 196 जा 197 जा गलत कर दिए सही है 196 जा भी सही है 104 और 104 प्लस 13 107 और फिर बचा 19 जा 57 और 12 यानी कि 69 मल्टीप्लाई कर लेना 19 की टेबल आती हो तो भी कर लेना नहीं आती हो तो थोड़ा मुश्किल पाके कर लेना पर कर तो लो ही ठीक है कर लोगे ना ऐसा तो नहीं सर मेरे को 19 की टेबल नहीं आती मैं नहीं करूँ ठीक है ना ऐसे प्रेजेंटेशन करीब करीब हो ही गया आपको जो जो भी गिवन था इसके आगे जैसे 8 था 17 इसके आगे लिख देना हियर इट इज गिवन दैट फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म ये कॉमन डिफरेंस ये नंबर ऑफ टर्म्स पता लगानी है ठीक है डन कल आप रुके नहीं नहीं तो ये भी होमवर्क देते मतलब माने नहीं क्या हाँ इसमें से होमवर्क की बदबू आ रही थी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 देखो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 तक आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो थर्ड के बहुत सारे पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्या थे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ देखो एक चीज समझ क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सारे पार्ट्स थे बोलो किसी में क्या गिवन किसी में क्या गिवन किसी में क्या गिवन किसी में क्या पूछ लिया इन्हीं सारे क्वेश्चंस को स्टेटमेंट फॉर्म में बदला गया है बस नाइन्थ क्वेश्चन तक जैसे इसने सीधे दे दिया A3 बराबर 15 और स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया थर्ड टर्म इज 15 कोई डिफरेंस है क्या इसने दे दिया S9 बराबर 75 और स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखोगे S9 बराबर 75 को द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 75 तो ऐसे कैसे ही क्वेश्चंस हैं बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं उनको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा अभी इसको कन्वर्ट किया था हमने डिकोड किया था तो कुछ ऐसा ही दिखाई दिया था नाइन्थ तक तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं ठीक है बोलो फटाफट करो अब कहां तक कौन सा करना है अभी अपने को 7 तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स को मैं S22 लिख सकता हूं क्या बोलो बुरा तो नहीं मानोगे हाँ भाई सर आप बुरा नहीं लिख रहे हो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी अच्छा फाइंड करना है सॉरी ये तो यानी S22 तो आपको फाइंड करना है चलो जो फाइंड करना है तो बाद में लिखेंगे क्या क्या गिवन है डी गिवन है एक तो साफ साफ हेयर द गिवन पॉइंट्स आर डी इक्वल टू 7 और 22nd टर्म को क्या लिखेंगे डिकोड करके 22nd टर्म को क्या लिखेंगे 22nd टर्म को बोलेंगे क्या A22 क्या बोलेंगे A22 कितना गिवन है वो 149 और पूछा क्या है S22 पूछा क्या है S22 क्वेश्चन मार्क अब ऑब्वियस बात है हमको बताओ यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है डी ए का है A22 है और N गिवन है क्योंकि इसके आगे 22 लगा हुआ है इसके आगे 22 लगा हुआ है दैट मींस N की वैल्यू 22 है सिंपल सी बात है A नहीं है ना N बोल रहा हूं मैं तो A नहीं गिवन है लेकिन मुझे N गिवन है बोलो तो अब मैं A22 को एक्सप्लोर करके A22 को एक्सप्लोर करके A निकाल सकता हूं बोलो A22 को एक्सपैंड करो सो A22 इंप्लाइज A22 क्या होता है A प्लस D इक्वल टू 149 इस इक्वेशन में D की वैल्यू रख दूंगा तो A आ जाएगा रखो A प्लस 21 टाइम्स D की वैल्यू है 7 गिव्स मी व्हाट 149 सो A प्लस 21 7 जाए 147 गिव्स मी 149 सो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 बराबर अब आपसे क्या पूछा था S22 तो छोटा वाला फॉर्मूला लग सकता है बोलो नाउ S22 तो SN का फॉर्मूला होता है N बाय 2 इंटू A प्लस AN तो अगर SN का ये फॉर्मूला होता है अगर SN का ये फॉर्मूला होता है तो S22 का क्या फॉर्मूला होगा S22 मतलब N को 22 से रिप्लेस किया तो फॉर्मूला में भी N को 22 से रिप्लेस करना पड़ेगा 22 बाय 2 इंटू A प्लस A22 देखो तीन जगह मैंने N की जगह 22 रखा है 1 2 3 पहले मैंने SN का फॉर्मूला लिखा उससे मैंने S22 का फॉर्मूला बनाया बना लिया अब सारी चीजें गिवन चेक कर लो S22 जाएगा 22 बाय 2 11 A गिवन पहले नहीं गिवन था आज की तारीख में गिवन है 2 और A22 ऑलरेडी गिवन था 149
सो 11 मल्टीप्लाइड बाय 151, 11 बन जाए 11 रिमाइंडर 1, 11 5 जाए 55 एंड 156 रिमाइंडर 5, 11 बन जाए 11 एंड 5 16, चेक करो। बताओ कोई दिक्कत? म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक तो वही देता है, सोच ले। प्रोफेशन अगर वो चूज करना चाहता है तो इट इज नॉट ए बैड प्रोफेशन, तो उसको फिर मुंह से क्यों दे रहा है, उसको प्रोफेशनली दे, उसकी भी पढ़ाई होती है, कहीं तो होती है। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया अभी हमने? सेवन, एट। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन। किसी एपी की दो टर्म्स गिवन हो तो सब कुछ निकाल सकते हो। तो दो टर्म्स गिवन है ना बेटा, कौन कौन सी गिवन है? एक तो सेकंड टर्म गिवन है 14 एंड थर्ड टर्म गिवन है क्या लिखा हुआ है? 18। सो सेकंड टर्म को लिख सकता हूं मैं A2 बराबर 14 और थर्ड टर्म को लिख सकता हूं मैं A3 बराबर 18। बताओ यहां तक कोई डाउट? और पूछा क्या है आपसे? S51, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स को मैं लिख सकता हूं S51। ये आपसे क्वेश्चन मार्क के पूछा गया है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म से सिंपल फॉर्म में डिकोड हो गया। आपको लिखना है पूरा, हेयर द गिवन, हेयर द सेकंड टर्म इज गिवन एस, सेकंड टर्म को फिर A2 लिख के 14, हेयर द थर्ड टर्म इज गिवन एस 18 एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51। बोलो रिया, बोलो क्या डाउट है? कुछ डाउट है? समझ में आया? ओके चलो, तो ये है मेरे गिवन पॉइंट्स। तो जो गिवन पॉइंट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ निकाले A2, बोलो क्या लिखता हूं मैं A2 को? A+। अच्छा देखो, लगातार टर्म्स गिवन है, तो अगर लगातार टर्म्स गिवन है तो आपको इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप A3 माइनस A2 करके D निकाल सकते हो अगर लगातार गिवन है। मान लो लगातार नहीं गिवन होती तो फिर इक्वेशन बनाता, ठीक है? इक्वेशन बनाने से तो कोई सी भी चीज सॉल्व हो सकती है, जो लगातार है वो भी सॉल्व हो सकती है, जो लगातार नहीं है वो भी सॉल्व हो सकती है। तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में लगातार आएगा ऐसी गारंटी नहीं है ना। तो हम बुरी से बुरी चीज सोच के चलते हैं कि मान लो लगातार नहीं आए तो अल्टीमेटली इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो A2 से इक्वेशन बनाओ तो क्या होगा? A+D। A2 को क्या लिखते हो? A+D लिखते हो बराबर 14, और यहां से बनाओगे तो A+2D इक्वल टू 18। तो ये बन गई इक्वेशन वन एंड दिस इज माय इक्वेशन टू। टू माइनस वन कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन गिव्स मी ए माइनस ए कट जाएगा, मतलब ए माइनस ए यहां से यहां, ए माइनस ए कट जाएगा एंड टू डी माइनस डी, टू डी माइनस डी इज डी, और RHS में 18 माइनस 14 इज 4। तो वैसे भी आप 18 माइनस 14 करते डी आता, और अभी इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व किया तो भी डी की वैल्यू आ गई 4। अब डी को कहीं भी पुट अप कर दो, लेट्स से इक्वेशन वन में पुट अप कर दो। सो इक्वेशन वन क्या है? A+D क्या निकाला? 4 इक्वल टू क्या है? RHS में 14। तो वहां से ए निकलता है 14 माइनस 4 गिव्स मी 10। तो ए और डी दोनों गिवन है तो जो चाहे निकाल लो। लाइक उसने क्या पूछा था? S51। ए और डी के फॉर्मूला से ही निकाल लें। नाउ S51, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ऑफ द एपी दैट इज S51 की वैल्यू हो जाती है, बोलो क्या हो जाती है? 51/2, एन बाय टू करते हैं, फिर 2a+ n की वैल्यू 51 है, तो 51 माइनस 1 इंटू डी। अब ए और डी की इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रखते हो, सो 51/2 नो चेंज एंड 2a, बोलो a की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 51 माइनस 1 इज 50, और
और डी की वैल्यू क्या है 4. फाइन, सो 51/2, अंदर बोलो 2 × 10 = 20. देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर थोड़े एडवांस कैलकुलेशन जानते हो तो. देखो ऐसे कर सकता है कि कोई, ये 2 बाहर है, ये 2 से ये 2 गया और इस 2 से वो 2 टाइम्स गया, या 25 को भी काट सकते हो. तो ये 2 गया, केवल क्या बचा अंदर 10 + 52 = 100. और नहीं जानते हो तो फिर जोड़ो, गधा मजदूरी करो, फिर 2 × 10 = 20 + 54 = 200. और फिर नेक्स्ट स्टेप में आओ, 51/2 × 220. 220 को काटेंगे तो 110, और 51 × 110 यहाँ कर देता हूँ, 0 तो आएगा ही आएगा. 11 बन जा 11, रिमाइंडर 1, 11 5 जा 55 एंड 1 56, 5 6 चेक करिए. तो आज तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, कोई भी ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं मिला मुझे. पुराने क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं या फिर लैंग्वेज चेंज करके आ रहे हैं, डिकोड करने के बाद सेम वैसे ही बन रहे हैं, और कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही. अभी तक के तो सारे क्वेश्चन सरल ही हैं और सबको आ जाने चाहिए. सक्षम बोलो, खड़ा और उतर, खड़ा, आप क्या लीडर हो यहाँ के, खड़े रहो. हाँ सक्षम बोलो, हो गया नोट डाउन, यहां तक का काम कंप्लीट है आपका. क्यों, कितना पेंडिंग है बताओ, अपॉइंट बनी हो रही है, हम थर्ड पे चल रहे हैं बेटा, कब हो जाएगा बताओ, तारीख बताओ कब हो जाएगा, 2-3 दिन में. क्यों 2-3 दिन में क्यों होगा भाई, क्या काम है आज आपको दिन भर, अभी क्लास छूटने के बाद, अभी क्लास से छूटने के बाद आपको क्या काम है बताओ, क्या क्लास के बाद ग्रामर भी होगी, चलो इसके बाद ग्रामर भी होगी, उसके बाद तो दिन भर फ्री है. अब हाथ ऊपर कर ले जल्दी, जब लिखवाऊंगा तब मैं नीचे करवा दूंगा, तू भी खड़ा खड़ा खड़ा. ये सारे स्पीकर सारे लीडर यहीं पर हैं ना, इन सारे पॉलिटिशियनों की पॉलिटिक्स खत्म करनी पड़ेगी पहले उनके, तब जाके ये अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे. पहले अच्छे स्टूडेंट बनो तभी अच्छे लीडर बन सकते हो या स्पीकर बन सकते हो. मेरे को आज की तारीख में, मतलब कल की तारीख में पूरा चाहिए काम, समझ गए. आज घर जाके दिन भर बैठ के पढ़ना है आपको, कहीं नहीं जाना, ठीक है. हाँ तो 5610 इसका आंसर हो चुका है, कर दो डिलीट. क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, 9th देखो. और साइंस का पूरा है आपका, साइंस भी आते हो ना, साइंस की क्लास का पूरा है सारा जो सर ने करवाया, वो भी पूरा नहीं है, तो क्या चाहते हो फिर आप बताओ. If the sum of first 7 terms of an AP is 49, तो sum of first 7 terms of an AP को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, S7. yes, ये decode करना आना चाहिए, S7 यानी कि 49. पहले Samsung का फोन आता था S7. अभी आ जाओ that of 17 terms. अब ग्रामर वाले जानते होंगे यहाँ पे that का मतलब sum है, demonstrative pronoun लगा देते हैं that तो. तो sum of 17 terms कितनी है, 289 है, क्या दिख नहीं रहा मुझे, 289. So sum of 17 terms को हम क्या लिख सकते हैं, S17. ये वाला फोन कभी नहीं आ पाया, उससे पहले ही Samsung बंद हो गया. S13 तक आया था, 17 नहीं आया, उससे पहले, मतलब S वहां तक आते आते फिर चाइनीज कंपनियों ने पीट दिया Samsung को, फिर उनका मार्केट में एंट्री हो गई, Realme, MI हो रही है, और iPhone भी रखने लग गए लोग, iPhone OnePlus. ठीक है, S749, S17 289. चाहिए क्या उसको, क्या चाहिए उसको, फर्स्ट एन टर्म्स का सम को क्या कहते हैं, SN, यानी SN चाहिए उसको. डन, तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, इसको स्टार मार्क करो. अब तक क्या होता था, किसी भी दो कोई भी दो टर्म देखकर कुछ भी पूछता था,
और अब क्या कह रहा है, किसी भी दो नंबर ऑफ टर्म्स का सम दे रखा है। मतलब पहले तक जो क्वेश्चन होते थे वो कैसे होते थे, सर ए टू ए सेवन दे दिया, मतलब कोई भी दो टर्म दे दी, ए सेवन ए थर्टीन दे दिया। अब की बार ए ए नहीं दे रहा, एस एस दे रहा है, कुछ टर्म्स का सम और अगेन कुछ टर्म्स का सम दे रहा है, और आपसे फिर बाकी चीजें वो पूछ रहा है। फिर एक बार ये पूछ लेगा तो फिर तो कुछ भी पूछेगा। ठीक है, तो हमको तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी को एक्सपेंड करना आता है, उसी को एक्सपेंड करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे हम बड़ा वाला। उसका कारण सुनो, क्योंकि अगर मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो यहाँ पे 7 और 17 मिसमैच है, मिसमैच है बोलो, तो हमको दोनों से दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनानी पड़ेगी। तो दो वेरिएबल कौन सी बनेगी, यहां से ए और डी के इक्वेशन बन सकती है अगर बड़ा फॉर्मूला बनाओ, और यहां से भी ए और डी की इक्वेशन बन सकती है अगर बड़ा फॉर्मूला बनाओ। टू वेरिएबल टू इक्वेशन में फिर सॉल्व करके ए और डी अलग अलग निकाला जा सकता है। शुरू करें, चलिए तो सबसे पहले एस सेवन का फॉर्मूला एक्सपेंड करके बताओ जीविका। जीविका मुझे एस सेवन का फॉर्मूला एक्सपेंड करके बताओ। हाँ यस, वेरी गुड। सेवन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस सेवन माइनस, प्लस सेवन माइनस वन और टेन माइनस वन, सेवन माइनस वन यस आगे बेटा इंटू डी। और ये एस सेवन की वैल्यू गिवन है 40। सही किया है क्या जीविका ने? ईशानी मुझे बताओ एस सेवनटीन, सेवनटीन बाय टू यस इंटू टू ए प्लस सेवनटीन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू व्हाट, 280। ठीक है, सही बताया। दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को अलग अलग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ, ए और डी में दो इक्वेशंस बने करो। पहले है 7 बाय टू, नो चेंज, 2a नो चेंज, 7 माइनस वन इज 60 इक्वल टू 14। उधर आइए 17 बाय टू नो चेंज, 2a नो चेंज, जस्ट 17 माइनस वन कर दो आप 16d, दैट इज इक्वल टू 289। ठीक है, यहां तक हो गया, नोट डाउन भी हो गया, छोटा मोटा जो भी हिंट टाइप में आप नोट करना चाह रहे हो या आप फेयर भी करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी। यहां तक कोई डाउट? लेंगे ना, मैं तो यहां तक बोला ना, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब सुनो एक चीज और आगे बढ़ने से, हाँ अभी करेंगे, एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज सोचो, अगर किसी ने जनरल रीजनिंग लगा ही हो या लगाना जानता हो या लगाना अच्छा लगता है तो वो ऐसे भी आंसर ला सकता था। कैसे? 7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। पीछे देखो आंसर, आंसर तो देखो, पहले ही बता देते ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम वाकई में ऐसे करेंगे। और पता है ऐसी कौन सी सीरीज होती है जिसका सम एन स्क्वायर होता है? नहीं, होती तो एपी है, लेकिन एपी में भी एक स्पेशल सीरीज होती है, पता है कौन सी? नहीं बताया? ऑड नंबर की सीरीज। होती तो एपी है बेटा, होती तो एपी है, लेकिन एपी में भी स्पेशल टाइप की सीरीज, ऑड नंबर की सीरीज। ऑड नंबर की सीरीज बोले तो 1 3 5 7 9। अब देखना देखना, एक टर्म का सम 1, एक टर्म का सम 1, दो टर्म का सम 4, तीन टर्म का सम करो 1 + 3 4 + 5 9, चार टर्म्स का सम करो 1 + 3 4 5 9 और 7 16, और पांच टर्म्स का सम करो 16 × 2 = 25। चेक करो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो n टर्म्स का सम n का स्क्वायर, 7 टर्म्स का सम 49, 7 का स्क्वायर और 17 टर्म्स का सम 289। तो एज ए जनरल नॉलेज आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी एपी है जिसमें सम ऑफ टर्म्स करेंगे तो जितने भी सम ऑफ टर्म्स कर रहे हैं उसका स्क्वायर ही आंसर आता है, वो होती है ऑड नंबर की सीरीज, ऑड नंबर्स की एपी। ये भी एपी है ना, देखो दो दो का गैप है, ये होती है ऑड नंबर्स की। तो ये डायरेक्ट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मान के इसको याद रखें। ओके, अब चलते हैं, हमको अगर सब्जेक्टिव करना है तो पूरा ही करना है। कहाँ तक कर लिया हमने?
यहां तक कर लिया। अब देखो टू इसमें से भी कॉमन आ रहा है, टू इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो अगला काम हम टू को ले लेते हैं कॉमन। तो 7/2 × 2 अंदर क्या बचेगा, a प्लस 6d में से 2 कॉमन लो 3d इक्वल टू व्हाट 49। सो 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, ये 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। लो अगली स्टेप में कर, अगली स्टेप में कर देता हूं, 7 a प्लस 3d इक्वल टू व्हाट 49। सो a प्लस 3d 7 उधर जाके डिवाइड करवाओ, 49/7 दैट इज 7। तो फाइनल इक्वेशन इज a प्लस 3d बराबर 7। इक्वेशन बताएं, चलिए तो जल्दी से मुझे दो इक्वेशंस बता दीजिए, एक तो मैंने बना दी और एक आप लोगों ने बना दी होगी। तो एक तो क्या बनाई थी हमने, a प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ओके a प्लस 3d इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन बन गई क्या बनेगी, उसमें उसमें 17 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और 17 का स्क्वायर 289 है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो 17 टाइम्स ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8d। अच्छा ठीक है, इक्वल टू 17, ठीक है। तो दोनों को ये दो इक्वेशंस मान लें हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में 2 माइनस 1 कर दूं, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स मी a माइनस a कट गया, 8d में से 3d गया तो 5d और 17 में से 7 गए तो 10, ठीक है। सो d की वैल्यू हो जाती है 10/5 दैट मींस 2, और 2 को मैं कहां पुट अप करूं, इसमें पुट अप करूं, इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं। सो इट इज a प्लस 3d, तो 3d d की वैल्यू 2 इक्वल टू 7, सो a आ जाता है, a तो यही रहेगा, a प्लस 6 इक्वल टू 7, सो a आ जाता है आपका 7 - 6 = 1। अब आप खुद सोचो, पहली टर्म 1 है और दो दो का डिफरेंस है, तो ऑड नंबर्स बनेंगे नहीं बनेंगे, पहली टर्म 1 है तो 1 ऑड नंबर है, और 1 के बाद फिर दो दो का डिफरेंस है, आप सीरीज आगे बढ़ाओगे तो 1, 3, 5 एंड ऑड नंबर्स की सीरीज बनी नहीं बनी। तो n स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर्स की सीरीज का सम होता है, n स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला ही। चलो अभी तो a और d आया हमारा, अब हमको भाई अगर हमारे सब्जेक्टिव पेपर है तो हमको SN को SN के फॉर्मूला से ही बताना है, ऐसे नहीं कि सर 7 का स्क्वायर हो रहा है, 17 का स्क्वायर हो रहा है तो n का स्क्वायर कर दो, है ना। सब्जेक्टिव पेपर में कैसे बताएंगे, SN का फॉर्मूला बोलो, नाउ SN का फॉर्मूला बोलो, n बाय 2 जिसमें a और d शामिल होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब देखो इसमें तीन चीजें मिसिंग है, a, n और d, जिसमें से a और d तो आ चुके हैं, n तो मिसिंग है, तो n की वैल्यू कुछ नहीं रखनी, उसने खुद sn पूछा है ना, उसने sn पूछा है तो हमारा आंसर भी n की फॉर्म में ही आना चाहिए, तो n को तो n ही रखना है और a और d की वैल्यू पुट अप कर देनी है। सो n बाय 2, a की वैल्यू बोलो 2 × 1 n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू बोलो 2, बताओ कोई डाउट, n बाय 2 2 × 1 2, 2 × n 2n, 2 × −1 2 - 2 कैंसिल आउट, 0 हो गया, क्या बचा 2n, n by 2 into 2n, 2 से 2 खत्म, n into n is n. बोलो कोई डाउट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट, यहां तक कर लिया तो उसके बाद तो SN निकालना था, SN में n a और d तीन कंपोनेंट्स हैं, a और d निकाल चुके हैं, n को नहीं रखना है क्योंकि SN पूछा है, अगर S5 पूछता तो n की वैल्यू 5 रख देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा किया अभी हमने, 9th। अब 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10th इज शो दैट a1 a2 a3 a4 अप टू an forms an AP where AN is defined as this। देखो बेटा AN का जनरल फॉर्मूला हम सब जानते हैं, ये होता है A plus N minus 1 into D, होता है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में AN का स्पेशल फॉर्मूला दिया हुआ है, 3 plus 4N 9 minus 1 फॉर्मूला। हाँ भाई आप N की अलग अलग वैल्यू रखो, अलग अलग टर्म्स मिलती जाएंगी तो उसको हम बोल सकते नहीं एक फॉर्मूला। इधर देखो, इधर मैं a, n और d की अलग अलग वैल्यूज रखते जाऊं तो मुझे a, n अलग अलग मिलता जाएगा, और इस जो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसमें a और d तो नहीं है लेकिन ओनली n है, क्या है ओनली n। तो इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला है, इसको हमेशा के लिए फॉर्मूला मत मान लेना। इन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में आपको एपी बनानी है, मतलब एक सीक्वेंस बनानी है और प्रूव करना है कि वो एपी है,
सीक्वेंस बनानी है, सीक्वेंस बनाने के लिए टर्म्स चाहिए होती है, सीक्वेंस बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, टर्म्स लाइक A1, A2, A3, वो कैसे बनाए, इस फॉर्मूला सुना, वो टर्म्स बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, समझ आया। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, जैसे ए है ये, तो ए वन क्या होगा, एन को वन से रिप्लेस करो, बोलो स्टार्ट करो, हेयर ए एन इज डिफाइंड एज, ए एन इज डिफाइंड एज, अब ये ए एन का फॉर्मूला लिखो नीचे, ए एन इज डिफाइंड एज इन दिस वे, सो ए वन क्या होगा, देखो सो ए वन क्या होगा, तो देखो एन को वन से रिप्लेस किया ना आपने, तो अंदर फॉर्मूला में भी आप करो एन को वन से रिप्लेस, ये फॉर्मूला केवल और केवल इस क्वेश्चन तक सीमित है, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म, फॉर्मूला खत्म, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है इनका, समझ गए क्या, ठीक है, ए वन हो जाएगा 3 + 4n, तो n की जगह तो 1 रिप्लेस करना है ना, तो जितनी टर्म्स आपको बनानी है, एपी बनानी है तो एपी में टर्म्स होती है, आपको प्रूव करना है वो एपी है, तो मिनिमम आप 3 से 4 टर्म्स बनाओगे तभी तो आप प्रूव कैसे करते थे, कॉमन डिफरेंस सेम होता था तो वो एपी होती थी, कॉमन डिफरेंस सेम करने के लिए 3 से 4 टर्म्स बनानी है आपको, अब आप कितनी भी बनाओ 4, 5, 3, 4 तो बनाना मिनिमम, ठीक है, तो करो 3 + 4 = 4, यानी कि 7, पहली टर्म है 7, बताओ ए टू बना सकते हो, बोलो भव्या, ए टू के लिए एन को 2 से रिप्लेस कर दो, इधर भी और इधर भी, दोनों जगह कर दिया मैंने A2, तो क्या होगा, 3 तो 3 रहेगा, प्लस तो प्लस ही रहेगा, 4 तो 4 ही रहेगा, लेकिन 4 क्या है, n है ना, वो पहले इंटू 1 था, आज इंटू 2 रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू पहले 1 थी, अभी 2 है, ठीक है, सो 3 + 4 = 2 = 8, 3 + 8 = 11, चलो A3 बनाते हैं, सो 3 + 4 × 3, यानी 3 + 12, क्या होता है, 15, एंड देन A4 निकालते हैं, सो 3 + 4 × 4 करना पड़ेगा, सो 3 + 16, 16 + 3 = 19, तो मैं निकल गई 4 टर्म्स, अब 4 टर्म्स है तो कितनी तरीके से D निकल सकता है, 3 तरीके से, अब सफिशियंट है, तीनों तरीके से सेम निकला, तो AP है, नहीं तो नहीं है, और हालांकि उसने शो करने के लिए कहा है तो है, वो चेक करने के लिए करता तो हो सकता ना भी निकलती, लेकिन शो या प्रूव का क्वेश्चन आ जाए तो है, हमको प्रूव करना है बस, ठीक है, ओके, चलिए, तो अब A1, A2, A3, A4 से हम चेक कर रहे हैं कि ये AP है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम, जैसे पहली एक्सरसाइज में किया था बहुत पहले, नाउ कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस D, दैट इज D इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, वेरी गुड, ए वेयर एन इज ग्रेटर देन 1, वेरी गुड, चलो तो अब कितने तरीके से निकाल सकता हूँ, एन को 1 से बढ़ा लेना है तो एन को 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, क्योंकि A4 से ज्यादा तो मैंने टर्म्स ही नहीं निकाली, तो A2 - A1 पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन एन की वैल्यू 2 से 3 पे आ जाओ तो A3 - A2 सेकेंड ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन एन की वैल्यू 3 से 4 ले लो तो A4 - A3, तीन ऑप्शन से निकाले, चलो सबसे पहले A2 - A1, तो A2 - A1 यानी 11 - 7, फिर आ जाओ 15 - 11, फिर आ जाओ 19 - 15, फाइन, तो 11 - 7 = 4, 15 - 11 = also 4, और 19 - 15 = also 4, तो ऊपर क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे हम, सो कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ऑल द केसेस, इट फॉर्म्स एन AP, इज सेम इन ऑल द केसेस, हेंस इट फॉर्म्स एन AP, प्रूव्ड हो गया, तो अब एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नहीं इस फर्स्ट का भी एक और पार्ट बाकी है, पूरा पढ़ो क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, तो हर एक केस में S15 भी निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो यानी कि S15 भी निकाल लो इसमें लगे हाथ, तो S15 कैसे निकालोगे, A गिवन है और D निकाल लिया, ठीक है ना, तो नाउ इधर निकाल देता हूं S15, तो S15 का फॉर्मूला बोलो, 15 by 2 2A प्लस 15 - 1 मल्टीप्लाइड बाय D, सो 15 by 2 2A
ए क्या निकाला आपने, ए वन ही ए होगा बताओ, सेवन हो जाएगा, टू इंटू सेवन और फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन, और डी क्या निकाला अभी आपने, तीन ऑप्शन से निकाला फोर, ठीक है। अब देखो आप टू से ये दो टर्म्स है, टू इंटू सेवन एक टर्म है, फोर्टीन इंटू फोर फोर दूसरी टर्म, तो टू से टू और टू से उधर डायरेक्ट भी काट सकते हो, नहीं तो फिर पहले जोड़ लो और बाद में काट ले, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन इंटू फोर फिफ्टी सिक्स, वॉट इज फिफ्टीन, फोर्टीन प्लस फिफ्टी सिक्स, वॉट इज फोर्टीन प्लस फिफ्टी सिक्स, सेवनटी, थर्टी फाइव टाइम्स गया, 15 5 का 75 रिमाइंडर 7 15 का 45 एंड 7 520 सो 525 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टाइम्स। सेकंड क्लास वर्क अभी करो, अब बोलेगा ज्यादा बैठ आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है कि पीछे तीनों को, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, हम सब घर में बैठे क्या, हमने हमने नहीं चलाया, ओके सेकंड क्वेश्चन जल्दी से खत्म करो, बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दूं क्या, so a n equal to 9 minus 5 n, so वही चार टर्म्स निकाल लो, a1 a2 a3 a4, हो गया बोलो, a1 a1 चार टर्म्स नहीं निकले अभी तक, चार टर्म्स, 4 माइनस 1 माइनस 6 एंड माइनस 11 ये निकली है, तो आप कॉमन डिफरेंस देखो, यहां से यहां आते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 5 करना पड़ेगा, देन इसका भी कॉमन डिफरेंस माइनस 5, सब कॉमन डिफरेंस माइनस 5 निकला है क्या सभी का, नहीं तो वेल किया मैंने, तो क्या निकला है फिर बताओ, माइनस फाइव किसका नहीं निकल रहा है, कृतिका क्यों नहीं निकल रहा बताना, निकल रहा है, हाँ रुद्र क्या निकल रहा है फिर आपका, ए वन माइनस ए टू कर दिया आपने, तो आपका प्लस फाइव निकला होगा, आपको ए टू माइनस ए वन करना है, देखो सिंपल सी बात है, एपी डिसेंडिंग है क्या, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इट फॉर्म्स एन एपी, हो जाएगी फॉर्मेलिटी पार्ट, जल्दी से एस 15 इसमें भी निकालो, तो 15 बाय 2 2 ए एन माइनस 1 डी एन, तो 15 है ना, सॉरी 15 माइनस 1 डी, सो 15 बाय 2 ए क्या निकाला आपने, पहली टर्म क्या है 4, 15 माइनस 1 इज 14, डी क्या निकाला आपने माइनस 5, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, देखो अगर किसी को समझ आ जाए, 2 से ये 2 गया और ये 7 टाइम्स गया, तो 15 into, इधर तो बचा 4 और 7 into minus 5 is minus 35, 15 into 4 minus 35 is minus 31, minus का 15 बन जा 15 remainder 1, 15 दिया 45 and 1 46, देखना आंसर minus 465 आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है।
अब जाते जाते मोरल ऑफ द स्टोरी लेते जाओ, जब जब ए एन का फॉर्मूला एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा तब तब वो एपी बनाएगा। क्या कहा मैंने? जब जब ए एन का फॉर्मूला उसने खुद ने डिफाइन कर दिया, कुछ भी डिफाइन कर ले, तेरी मर्जी हो जो डिफाइन कर ले, पर लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री वन होती है। तो यहाँ पे चेक करो इसकी डिग्री वन है क्या, इस 3+4n में पावर वन ही मानी जाएगी ना, और इसमें भी पावर। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री वन होती है, उसमें हमेशा एपी बनेगी। कल को यहाँ पे 4n स्क्वायर कर दे, अब गारंटी नहीं है। अब इत्तेफाक से बन जाए तो बन जाए, बाकी बनने की गारंटी नहीं है। बाकी लीनियर पॉलिनोमियल में हर हाल में वो क्या बनेगा, एक एपी बनेगा, एक एपी बनेगा, उससे सीक्वेंस बनाएंगे जब अपन। ठीक है, कर दो डिलीट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से थोड़ा माइंड सेट करके आना, क्योंकि कल से हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक अलग ही लेवल की एपी के क्वेश्चन आप कल से देखेंगे, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है, इसमें से 11th वाला तो जान निकाल देगा। ठीक है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। कल हम इसी क्वेश्चन से हमारा क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मतलब माइंड सेट करके आना कि आज से हम कुछ तूफान करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।